हेलो फ्रेंड्स, मैं अक्षिता और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल एवीटीवी फूड में। आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो रेसिपी है बेसन और मेथी की सब्जी। अगर आप लोगों को मेथी की सब्जी में अगर कुछ ऐड करना है तो एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, आप उसमें बेसन भी डाल सकते हैं और उसका स्वाद रियली मैं बता रही हूँ बहुत अच्छा आता है। वन ऑफ माय फेवरेट फूड में बेसन और मेथी की सब्जी मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, वही मेरी फेवरेट सब्जी आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी। ये बनाना बहुत ईजी है और ये बहुत टेस्टी लगता है और ये बहुत पोषक भी रहता है। तो फिर चलिए शुरू करते हैं बेसन और मेथी की सब्जी बनाना। फ्रेंड्स, वीडियो को अंत तक देखिए। वीडियो के अंत में मैं आपके साथ एक किचन टिप शेयर करूंगी। तो बेसन और मेथी की सब्जी बनाने के लिए हमें लगेगा टमाटर, हल्दी, जीरा और राई, लाल मिर्च, आप हरी मिर्च भी इस्तेमाल कर सकते हैं, नमक, प्याज, धनिया, अदरक लहसुन का पेस्ट। ये मैंने धो के बारीक काटी हुई मेथी ली है, तेल और मैंने दो बाउल बेसन लिया है। सबसे पहले हम पैन को गर्म कर देंगे और उसमें तेल डाल देंगे। फिर उसमें हमें जीरा और राई डालना है। जीरा और राई डालने के बाद हम उसमें डाल देंगे प्याज। प्याज को अच्छी तरह से पकाना है। बेसन की सब्जी के लिए तेल थोड़ा ज्यादा लगता है तो हम देख लेंगे। अभी प्याज ये सोते हो रहा है यानी पक रहा है। जैसे थोड़ा सा प्याज आपको लगे ये पक गया है, आप इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट और टमाटर डाल दीजिए और उसे फिर से पकाइए। जनरली मैं टमाटर लास्ट में डालती हूँ पर इस सब्जी के लिए आपको टमाटर पहले डालना पड़ेगा। अब ये थोड़ा सा सौते हुआ है, ये पक गया है टमाटर भी, तो फिर इसमें हमें डालना है हल्दी और लाल मिर्च। हल्दी और लाल मिर्च डालने के तुरंत बाद ही हमें उसमें मेथी की सब्जी डाल देनी है और मेथी के सब्जी को बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है। अगर इसमें बहुत ज़्यादा पकाएंगे तो इसमें जो पोषक द्रव्य है सब निकल जाएंगे, तो इसे थोड़ा सा सोते ही आपको करना है। एक या दो मिनट के लिए आप इसे पकाएंगे। जैसे ही आपको लगता है कि ये थोड़ा सा पक गया है उसमें आप बेसन डाल दीजिए। बहुत से लोग मेथी की सब्जी सलाद के साथ ऐसे ही खाते हैं, आपको जैसे पसंद है। अगर आपको बहुत ज़्यादा ही पकी हुई सब्जी पसंद है तो आप पका लीजिए। तो देखिए ये थोड़ा सा अभी पक गया है तो अभी हम इसमें डाल देंगे बेसन। बेसन को थोड़ा थोड़ा करके डालना है। देखिए मैंने थोड़ा सा बेसन डाल दिया है, अभी देख सकते हैं और इसमें बेसन की जरूरत है तो थोड़ा सा और बेसन डाल देंगे। एक बाउल तेल के लिए दो बाउल हम बेसन इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये देखिए दो बाउल बराबर एक बाउल तेल के लिए फिक्स बैठा है। फिर उसमें हम थोड़ा सा नमक डाल देंगे। नमक डालने के बाद इसे थोड़ी देर हम पकाएंगे, दो या तीन मिनट में अच्छी तरह से पक जाता है। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ऐसे ताकि जो कुछ भी रहा है वो पक जाए। ये बहुत जल्दी बन जाता है। अगर आपको लगे बहुत सब्जी ड्राई लग रही है तो इसमें आप थोड़ा सा पानी छिटक दीजिए एक या दो बार, फिर थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगी। ये आप देख सकते हैं ये अच्छी तरह से बन गया है। ये
इसमें अभी धनिया डाल देंगे और ये हमारी बेसन और मेथी की सब्जी बनके रेडी है। तो फ्रेंड्स, अगर पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलें, ताकि मेरे आने वाले नेक्स्ट वीडियो आप तक पहले पहुंचे। टिप ऑफ द डे, चाय बनाने के बाद चाय पत्ती को फेंकिए मत, उसे धो के पेड़ों की जड़ों में डाल दीजिए, वो बहुत एक अच्छा फर्टिलाइजर का काम करती है। मेरी और भी रेसिपी देखने के लिए स्क्रीन में दिए हुए लिंक पे क्लिक करें। थैंक यू, अपना ख्याल रखिए।